Dear students, today we will do very interesting chemistry activity, that is chemical volcano. For this we need potassium perdanate, जो कि lab दे विच इस तरह दिया bottles दे विच होंदा और इस तरह इस दे थोड़े big जड़े है गेने crystals होंदे ने. It is also commonly known as Condy's crystals और आम तर ते ऐसे इसनों लाल दवाई दे नाम नाल जानते हैं. Market दे विच भी यह बड़ी easily available होंदा है, जो कि इस तरह दी packing होंदी है. फर्क सिर्फ यही है इस दे विच जो अपने कोल क्रिस्टल्स हुंदे ने वो फाइन पाउडर दे रूप दे विच हुंदे ने. एह एक तरह दा डिसइनफेक्टेंट है, जो कि आम तौर ते असी पानी नू डिसइनफेक्ट करन दे लई यूज करदे हां. घर दी टैंकीज दे विच जां किसी भी बिल्डिंग दी टैंकी दे विच इस नू पाया जांदा है, तां जो जिहड़ा साडा पानी है वो डिसइनफेक्ट हो जाए. सेकेंड जो सानू केमिकल इस दे लई चाहिदा होएगा यह है ग्लिसरीन. ज्यादातर हाउसिस दे विच एवी अवेलेबल हुंदा है. ग्लिसरीन नू असी माउथ सोर्स दे लई जां ड्राई स्किन दे लई यूज करदे हां. आओ देखते हैं जेकर यह दोनों केमिकल्स आपस च मिल जान तां साडे कोल किस तरह दी रिएक्शन हुंदी है. असी भी जानते हैं बच्चों, जिन्ना सरफेस एरिया ज्यादा होएगा उन्ना जो रेट ऑफ रिएक्शन है साडे कोल ज्यादा आएगा और जल्दी रिएक्शन होएगी. सो असी पहला फाइन पाउडर दे नाल जिहड़ी है रिएक्शन नू करते हैं. थोड़ा सी पोटाशियम परमैंगनेट जो फाइन पाउडर है वो लिता, इस दे विच असी थोड़ी स्पेस बना लेने हैं और 1 to 2 ड्रॉप्स जिहड़े हैगे ने इस उपर ग्लिसरीन दे पाने हैं. बड़ी ध्यान नाल करन वाली एक्टिविटी है, क्योंकि यह एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिहड़ी होएगी. एक्सोथर्मिक रिएक्शन बच्चे वो हुंदी है जिस दे विच रिएक्टेंट की जिहड़ी बॉन्ड एनर्जी है वो ज्यादा होवे और बनन वाले प्रोडक्ट्स की जिहड़ी बॉन्ड एनर्जी है वह घट होवे, तो जिहड़ी एक्स्ट्रा एनर्जी है वह साडे कोल हीट ते लाइट के रूप के बाहर निकल आती है. लेट अस सी इस नूं होण च किन्ना टाइम लगता है. असी अपनी जिहड़ी स्टॉप वॉच है वह भी नाल है जिहड़ी वह स्टार्ट कर लांगे. तुसी देख सकते हो बच्चों बड़ी जल्दी देने क्विकली यह रिएक्शन हुई है. और साडे कोल इस दे नाल हीट लाइट एनर्जी सारी बाहर आई है और ये प्रोडक्ट्स बन गए. पोटाशियम परमैंगनेट बहुत ही स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो कि ग्लिसरीन नू ऑक्सीडाइज कर दिंदा है और जिस दे नाल साडे कोल हीट एंड लाइट एनर्जी आती है. जेकर असी फाइन जिहड़ा पाउडर है उसकी जगह दे उपर असी थोड़े बिग जिहड़े क्रिस्टल्स ने पोटाशियम परमैंगनेट दे यूज करिए, तां इस दे विच आपां देखदे हां इट्स टेक मच मोर टाइम. अगेन असी अपनी जिहड़ी स्टॉप वॉच है वह स्टार्ट करांगे. एक छोटी जी एक्टिविटी बच्चों, कंबशन, रेट ऑफ रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन सब कुछ कवर कर दी है. बट इस दे नाल नाल असी एक गल दा ध्यान रखना है, क्योंकि आम घरां दे विच दोनों ही चीजा ने जिहड़ियां अवेलेबल हुंदियां ने, बट साडी इग्नोरेंस हो जाती है. असी कई बार इन्हां नूं नाल रख दिंदे हां और तुसी देख सकते हो इन्नी क एक्सोथर्मिक है भी एक बार इग्निशन होके स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है और लगातार अपने आप चलती रहती है. ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਪਰਮੈਂਗਨੇਟ ਐਂਡ ਗਲਿਸਰੀਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ. ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ. ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੇਸ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਖੁੱਲੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਸੇਫਟੀ ਮੇਜ਼ਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਿੱਤੇ ਹੋਣ. इस एक्टिविटी नू क्योंकि जिहड़े क्रिस्टल्स ने काफी बड़े ने, इस नू थोड़ा टाइम लगेगा, देखदे हां किन्ना टाइम लगता है. इन द मेन टाइम असी रेट ऑफ रिएक्शन दे विच अपना ग्राफ बना सकते हां किन्ना टाइम जो सानू लग्या है ते उस तो रेट ऑफ रिएक्शन कट सकते हां. बिग क्रिस्टल्स नाल स्टूडेंट्स इट्स टेक अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 मिनट्स ਵਿੱਚ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਪੌਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਨਾ ਹੋਵੇ. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਕਰਨਾ ਹੈ.
ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੈਮੀਕਲ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਪੂਰਾ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ ਔਰ ਅਗਰ ਇਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਮਨ ਡਸਟਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਰਿਡੋਕਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਐਗਜ਼ੋਥਰਮਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਪਰਸ਼ਨ। ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੇਫਟੀ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।